आदाब नाजरीन, मैं अजीम अहमद अब्बास शमा स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं अहम खबरें। शमा न्यूज़ की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखलूस मुबारकबाद दी जाती है। ट्रंप पर एक बार फिर खातिलाना हमला किया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के तर्जुमान ने तस्दीक की कि साबिका सदर ट्रंप इस हमले में महफूज रहे। इसराइल पर हूती बागियों का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, अवाम खौफजदा, महफूज मकामात तक पहुंचने के लिए मची भगदड़, दौरान भगदड़ 9 अफराद हुए जख्मी। काली बारिश, आसमान से बरसने वाला सिया पानी जो ब्राज़ील समेत कई मुल्कों में घबराहट का बाइस बना। माहिरीन कहते हैं जब फॉसल फ्यूल और दीगर कुदरती अज्जा पूरी तरह से तलफ नहीं हो पाते तो कार्बन धुएं के जरिए फजा में शामिल हो जाता है, इस वजह से पानी का रंग बदल जाता है। समंदरी तूफान बिबांका ने शंघाई में दी दस्तक। बिबांका को 75 सालों में शंघाई से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान समझा जाता है। एक मुल्क एक इलेक्शन बिल जेरे बहस। मोदी हुकूमत के पिछले दौर में भी ये मसला कई मौके पर जेरे बहस रहा है। अब जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इख्तदार में वापस आए हैं, इस एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर बहस तेज होती जा रही है। खबर है कि हुकूमत अपने दौरे इख्तदार में किसी भी कीमत पर ये बिल लाना चाहती है। दिल्ली में फिर बड़ा डेंगू का खतरा, मरीजों में तेजी से इजाफा, 2 अफराद की हुई मौत। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी दिल्ली में डेंगू ने अपनी दहशत फैला रखी है। शहर के कई हॉस्पिटल से डेंगू की मुसलसिल इजाफे की खबर आ रही है। 10 किलो 144 ग्राम चर्स हुई जब्त। सरकारी उस्ताद समेत दीगर 2 अफराद हुए गिरफ्तार। नेपाल से हिंदुस्तान लाए जा रहे गैर कानूनी चर्स के साथ एक सरकारी उस्ताद और दीगर 2 अफराद हुए गिरफ्तार। कास्ट सेंसस यानी जात की मर्दमशुमारी पर मुश्किल में मोदी सरकार। जेडीयू ने सर्वे का कर दिया मुतालिबा। टीडीपी भी चाहती है सर्वे, क्या करेगी अब मोदी सरकार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्याम प्रसाद की हार्ट अटैक से हुई मौत। शहर हैदराबाद में गणेश मंडप के सामने नाचने गाने के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हार्ट अटैक से अचानक हुई मौत। ये वाकया मनीकुंडे का है। बेवा के साथ असमत दरी पर पुलिस की सुस्त कार्रवाई। वेंकटापुर पुरकापल्ली गांव में शिवकुमार नामी शख्स ने एक बेवा औरत से की असमत दरी। डीएसपी रविंदर कुमार ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार करके इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। इमारत में 2 गैस सिलेंडर फट गए, धमाके से इमारत मुनद्दम हो गई। हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अमलापुर एरिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। यूट्यूब रील बनाने के लिए मालगाड़ी में सवार होकर वीडियो बनाने के दौरान हाई टेंशन बिजली के तारों से टकरा कर नौजवान 70% झुलस गया, जिसे इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। चिकन बिरयानी में लेग पीस के साथ निकला पर मेघना नामी खातून ने कैटर्स रेस्टोरेंट के इंतजामिया की जानिब से लापरवाही का जवाब मांगते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से की शिकायत। इरीगेशन डिपार्टमेंट के एहलकारों ने लोअर मैनर डैम के 2 दरवाजे खोल दिए और करीमनगर जिला में पानी को नीचे की तरफ से छोड़ दिया गया। हुकाम ने माहिगीरों, चरवाहों और किसानों को मशवरा दिया कि वो दरिया के करीब ना जाएं। हैदराबाद का रिहायशी परनीत कनाडा के टोरंटो में एक झील में तैराकी के दौरान हादसे का हुआ शिकार। नाजरीन, आप देख रहे थे अहम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।